तो चलिए, क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और जो 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आया है वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। क्या वोटिंग प्रतिशत इस वक्त कह रहा है जो 1 बजे तक का आया है? तो देखिए, वोटिंग प्रतिशत 1 बजे तक का जो आया है, सुबह से लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आखिरी चरण में 57 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 40.09% मतदान हो चुका है। बिहार में 35.65%, चंडीगढ़ में 40.14% हुआ है मतदान, हिमाचल में 48.63% मतदान हुआ है, ओडिशा में 37.64% मतदान, तो वहीं पंजाब में 37% से ज्यादा मतदान हो चुका है, उत्तर प्रदेश में 39% से ज्यादा, तो वहीं पश्चिम बंगाल में बंपर वोटिंग इस बार भी 45% से ज्यादा मतदान हो चुका है। लेकिन जब शाम को मतदान खत्म होगा उसके बाद जब फाइनल आंकड़ा आएगा उससे आकलन लगाया जाएगा कि आखिर ये जो 7वां चरण है, जो कोशिश पूरी की गई कि इस चरण में और भी ज्यादा बंपर वोटिंग के लिए मतदाता निकले, अपने घरों से अपने मताधिकार का प्रयोग करें और यहां पर लोकतंत्र के महोत्सव में हिस्सा लें, लेकिन आखिरी चरण में 57 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत आया है वो 40.09% रहा है। बिहार में 35% से ज्यादा अभी तक मतदान, हालांकि बाकी अगर चरणों की बात करें तो इसी तरीके से बिहार में इतना ही लमसम रहा था, लेकिन यहां पर 7वें चरण में उम्मीद यह है कि अब जो पिछले रिकॉर्ड है वो भी टूटे। उत्तर प्रदेश की बात करें क्योंकि 13 सीटों पर मतदान हो रहा है, 39% से ज्यादा वहां पर अभी तक 1 बजे तक का आंकड़ा वोटिंग प्रतिशत का आया है। बिहार में भी वही उदासीनता नजर आ रही है जो हमने पिछली बार देखी, 35% के करीब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। बिहार में 35.65% मतदान दोपहर 1 बजे तक, चंडीगढ़ में 40.14% मतदान हुआ है अभी तक, तो उसके बाद हिमाचल की बात करें तो देखिए बंपर वोटिंग यहां पर 1 बजे तक 48% से ज्यादा 48.63% मतदान हुआ है। झारखंड में भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है, 46.80% मतदान, ओडिशा के भी मतदाता निकल तो जरूर रहे घर से बाहर, 37% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, पंजाब के मतदाता 37% के करीब वोटिंग प्रतिशत यहां का है, उत्तर प्रदेश 39.31% मतदान अभी तक हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल मतदान पश्चिम बंगाल में हो चुका है सबसे ज्यादा अभी तक, आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का ही आंकड़ा नजर आ रहा है। हालांकि झारखंड में भी मतदाता बखूबी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हिमाचल का आंकड़ा सबसे ज्यादा 48% से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत यहां पर, तो तीन आपने स्टेट देख लिए, हिमाचल में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर आपको पश्चिम बंगाल नजर आ रहा है, तो वहीं झारखंड में भी जो मतदाता है अपने घरों से बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हालांकि ज्यादा नहीं बढ़ा है, 39% के करीब ही मतदान प्रतिशत दोपहर 1 बजे तक हुआ है, लेकिन क्या ये शाम को और बढ़ेगा? पश्चिम बंगाल में 45% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, तो भरसक प्रयास हर एक पार्टी की तरफ से की गई कि मतदाता कम से कम अपने घरों से बाहर तो निकले, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव किया गया था, खुद चुनाव आयोग की तरफ से भी कई कोशिशें की गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और साथ ही साथ बूथ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, फिर चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, कूलर की व्यवस्था हो या फिर अन्य इंतजाम हो कि गर्मी में परेशानी ना हो मतदाताओं को, क्योंकि एक कारण ये भी माना जा रहा है गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए मतदाता नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जहां पर माकूल वहां पर मौसम है वहां के मतदाता तो कम से कम घर से बाहर निकले। लेकिन हिमाचल में जो अभी तक आंकड़ा आया है सामने दोपहर 1 बजे तक का, 40% को क्रॉस तो वो कर गया है, पश्चिम बंगाल 45% से ज्यादा वोटिंग अभी तक हो चुकी है।